नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। सिरोही नगर परिषद रोडवेज परिसर के सामने वाले भाग पर 8 लाख की लागत से सीसी रोड बनाएगी। इससे यात्रियों व बस चालकों को राहत मिलेगी। पिछले कई सालों से सीसी रोड बनाने की रोडवेज अधिकारी मांग कर रहे थे, लेकिन बजट नहीं आने के कारण काम शुरू नहीं हो रहा था। अब नगर परिषद वाले क्षेत्र में सीसी रोड बनाया जाएगा, इसके लिए खुदाई कर दी है। उधर सीसी रोड के लिए कई बार शहरवासियों ने मुद्दा उठाया था। 14 फरवरी को पुलवामा में पाक समर्थित जैश ए मोहम्मद की आत्मघाती कायराना हरकत में मारे गए सीआरपीएफ के 42 जवानों की शहादत पर श्री साईनाथ सेवा संस्थान के तत्वावधान में अहिंसा सर्किल के बाद बाइक रैली भारत माता की जय अमर से जिंदाबाद नारे के साथ पैलेस रोड सदर बाजार सरजावा दरवाजा पहुंची। इस मौके पर अध्यक्ष विजय त्रिवेदी ने भारत सरकार से कश्मीर में सभी आतंकी स्थान नष्ट करने और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को शनिवार सायं को गांव अमथला में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें माता बहनें एवं युवा साथी व सभी ग्रामीणों द्वारा शहीदों की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर पूरे गांव के गली मोहल्लों में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दरमियान इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, वीर जवान अमर रहे, खून का बदला खून से, भारत माता की जय और अन्य कई नारों से गली मोहल्लों को गुंजयमान कर दिया। खबर आप रोड से है। कश्मीर में पुलवामा में गत दिनों आतंकवादी द्वारा सेनों के काफिले पर किए गए हमले में आत्मघाती हमले के विरोध में सोमवार को अब रोड बंद रहा। सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में सीआरपीएफ जवानों सहित समेत शहर थाना आरपीएफ जीआरपीएफ यातायात पुलिसकर्मी एवं शहरवासियों ने हमले में शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बाबूलाल पारिक, आरपीएफ थाना अधिकारी प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक गोपाल सिंह शेखावत, सीआरपीएफ के रंजन कुमार, शहर पुलिस एसआई सरिता बिश्नोई, एसआई मगनाराम सुमित, सीआरपीएफ व स्थानीय पुलिसकर्मियों ने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए।